दोस्तों, मेरा नाम है शफाद, तो आप देख रहे हैं समटाइम। दोस्तों, आज की वीडियो शानदार होने वाली है। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो ये है कि आज हम ओटीजी के बारे में बात करेंगे। ओटीजी के बहुत से मोबाइल हैं। आज इस वीडियो में हम चार मोबाइल डिस्कस करने वाले हैं। पहले नंबर पे हम इसको ओटीजी के साथ कीबोर्ड को कनेक्ट करेंगे। दूसरे नंबर पे हम माउस को ओटीजी के साथ मोबाइल के साथ कनेक्ट करेंगे। तीसरे नंबर पे हम यूएसबी को कनेक्ट करेंगे। और जो आखिरी मोबाइल है बहुत ही शानदार है कि अगर हम किसी ऐसे इलाके में मौजूद है जहाँ पे लोड शेडिंग का मसला है या हमारे पास चार्जर नहीं है, तो अगर हमारे पास किसी दूसरे दोस्त का मोबाइल है, तो अगर हमारे पास ये डिवाइस है, तो हम ये डिवाइस अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके या अपने दोस्त के मोबाइल के साथ कनेक्ट करके तो हम अपने मोबाइल की चार्जिंग कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड से शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने अपने ओटीजी कनेक्टर को मोबाइल में कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद हमने इसमें पहले यूएसबी लगानी है। उसके बाद हमने जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद हमने एडिशनल सेटिंग को क्लिक करना है और यहाँ पे ओटीजी कनेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। ये जो एंड्रॉयड के बड़े मोबाइल हैं उसमें ज़्यादातर ओटीजी का कनेक्शन मौजूद है। जैसे हवावे का मोबाइल है, जो हवावे के मोबाइल पुराने हैं उसमें ओटीजी का ऑप्शन मौजूद नहीं है। ओप्पो के तमाम मोबाइलों में ओटीजी का ऑप्शन मौजूद है। देखें, यहाँ पर ओटीजी लिखा हुआ आ गया तीसरे नंबर पर। ये मेरी यूएसबी शो हो रही है, इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। ये सारा जो मेरा डाटा पड़ा हुआ है ये वो शो हो रहा है। तो इस तरीके से आपने यूएसबी को कनेक्ट करना है। तो अब मैं आपको दूसरे नंबर पे माउस को कनेक्ट करके दिखाता हूँ। अब मैं दूसरे नंबर पर, ये देखें, माउस कनेक्ट करने लगा हूँ। तो सेम वही जैसे यूएसबी लगाई थी, यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे तो ओटीजी कनेक्शन मेरा ऑन है। तो आप देख सकते हैं कि माउस का एरो आ गया, तो इसको मैं हिला रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं कोई भी ऑप्शन खोल सकता हूँ। देखिए, मैंने अपना एसडी कार्ड खोला है, इसको मैं बैक भी कर सकता हूँ। अगर किसी मोबाइल का टच ख़राब भी हो किसी, तो आप इस तरह से माउस को कनेक्ट करके आप जो है फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था दूसरा मेथड। अब हम आपको तीसरा मेथड बताएंगे कीबोर्ड कनेक्ट करके। अब तीसरे नंबर पे मैं आपको कीबोर्ड कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। सेम वही काम करना है, यूएसबी को प्लग इन करना है। तो जो है हमारा कीबोर्ड आ गया है। तो हमने, अब मैं मैसेज में जाता हूँ। यहाँ पे मैसेज आपको टाइप करके दिखाता हूँ कैसे। ये देखें, मैं इधर से बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये मैसेज लिखा जा रहा है। तो इस तरीके से आपने कीबोर्ड कनेक्ट करना है। ये था हमारा तीसरा मेथड। अब हम चौथे मेथड की तरफ जाएंगे, मोबाइल को मोबाइल से कैसे चार्ज कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, हम अब आ गए चौथे अपने मेथड की तरफ। तो अब हम क्या करेंगे कि एक यूएसबी केबल, इसको कनेक्ट करेंगे अपने मोबाइल के साथ। तो मेरे पास दूसरा मोबाइल मौजूद है, तो अब मैं आपको इसकी दूसरी साइड इस मोबाइल में लगाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर सब्ज कलर में यहाँ को देखें चार्जिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो देखें, ये कनेक्टेड है, दोनों कनेक्टेड हैं, चार्जिंग हो रही है। तो इस तरीके से आपने इसको कनेक्ट करना है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने मोबाइल के साथ माउस को, कीबोर्ड को और यूएसबी को और दूसरे मोबाइल को कनेक्ट करके चार्जिंग कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को नीचे रेड बटन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और नीचे साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी के हवाले से वीडियो देखनी है तो आपको कॉर्नर में आई का बटन नजर आएगा, आप उसको प्रेस करके देख सकते हैं। जी तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।